अभी 1 बज गया है और अभी तक लोडिंग चल ही रहा है। और यहाँ पीछे देख लीजिए पहाड़, लुगु बुरु पहाड़ अब साफ दिखने लगा है। और रास्ते में ये बेचने वाले आया था एक, तो ये एक ले लिया चला। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। जैसा मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताया था कि मैं सुबह सुबह कहीं जाने वाला हूँ, तो मेरे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और चारों तरफ थोड़ा सा अंधेरा जैसा भी है। साथ में सलाम पढ़ाया जा रहा है मस्जिद में, तो उसकी भी आवाज़ आ रही है। और आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा जो सफ़र है थोड़ा सा यूनिक रहने वाला है। तो कैसा रहता है वो तो आप लोगों को बाद में पता चलेगा, तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। मैं यहाँ से जमशेदपुर जाने वाला हूँ, तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। अभी यहाँ से मैं निकलूँगा और भुरकुंडा से ऑटो लेके रामगढ़ जाऊँगा, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। अभी मैं भुरकुंडा स्टेशन के पास पहुँच गया हूँ, यहाँ पर मैं मेन रोड पे ऑटो का वेट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं ऑटो लेके रामगढ़ जाऊँगा, तो देखता हूँ कितना देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, ऊपर से ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे सुबह सुबह तो कम लोग जाते हैं, तो गाड़ी भी कम मिलेगी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि आज का सफ़र थोड़ा सा यूनिक रहने वाला है, तो मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा ये एक ट्रक। तो इस ट्रक से मैं जमशेदपुर जाने वाला हूँ। तो और ये जो गाड़ी है मेरे जिया जी की अपनी गाड़ी है, तो इसके थ्रू मैं टाटा जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी बहन टाटा में ही रहती है। तो मैं इसके थ्रू वहाँ पहुँचूँगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से हमारे आसपास का जो भी ट्रेन है सारा बंद था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस गाड़ी से ही चला जाए, क्योंकि हमेशा आते रहते हैं और बस से जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो सुबह रामगढ़ के लिए ऑटो लेने के बाद मैं वहाँ से रामगढ़ आ गया, और उसके बाद दो ऑटो चेंज किया, उसके बाद मैं ट्रक में आ गया। और वहाँ से अभी थोड़ा सा दूर, लगभग वहाँ से आधा घंटा का दूरी पे, लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे मैं आ गया हूँ जंगल में। अभी हमारी गाड़ी बोकारो डिस्ट्रिक्ट में जागेश्वर बिहार और दनिया स्टेशन के बीच में, छोटे मोटे जंगल के बीच में खड़ी हुई है। तो यहाँ से अभी ईटा लोड होगा, और ईटा लोड होने के बाद हम गोला पिटरवार के रास्ते मुरी होते हुए, सिल्ली होते हुए हम जमशेदपुर पहुँचे। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. तो गाइस मैं आप लोगों को थोड़ा सा अंदर का लुक दे देता हूँ कि कैसा रहता है एक ट्रक के अंदर का। तो एक ट्रक के अंदर ड्राइवर के रहने के लिए अच्छा खासा स्पेस दिया जाता है। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो ड्राइवर का सीट रहता है उसके साथ में स्टेयरिंग है, और ये एक यहाँ पे जो पूरा सा स्पेस है, एक पूरा सा लंबा चौड़ा बेड के जैसा रहता है। तो एक ड्राइवर और एक खलासी मतलब इस स्पेस में अच्छे से अपना, क्योंकि उनका घर एक तरह से यही होता है, तो अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेस रहता है, और साइड में इधर कुछ कुछ सामान वामान रखने के लिए एक कबर्ड टाइप का बना हुआ है। तो गाइस यहाँ पास में ही बोकारो नदी है, और उस पर एक पुल बनने का काम चल रहा है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पास में आप लोगों को रेलवे लाइन दिख रहा होगा, आप लोगों को उतना अच्छा साफ से नज़र भी नहीं आ रहा होता। यहाँ पास में मैं आप लोग दिखाता हूँ, यहाँ पर रेलवे लाइन भी है जो बोकारो होते हुए गोमो धनबाद की ओर कनेक्ट कर देता है। अभी ट्रैक्टर से हिटाया गया और उसके बाद गाड़ी में लोड हो रहा है। तो अभी पीछे ईटा लोड हो रहा है, और मुझे थोड़ा सा नींद आने लगा, क्योंकि आज सुबह सुबह जल्दी उठ गया 5 बजे ही, तो थोड़ा नींद आ रहा है। तो हल्का थोड़ा देर सो लेता हूँ, उसके बाद तब तक लोड हो जाएगा, फिर चलेंगे। अभी दोपहर के 12 बज गए हैं और अच्छी खासी धूप भी निकल गई है, और अभी तक लोडिंग चल ही रहा है। मुझे तो लग रहा है अभी 1-2 घंटा तो और लगेगा। और सामने मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया था, और सुबह में थोड़ा कुहासा था तो वो मुझे भी नहीं दिख रहा था। और सामने में देख लीजिए कितना ऊंचा पहाड़ है, ये लुगुबुरु पहाड़ी है, इसी पे शायद मंदिर वंदिर है, झरना वरना भी है साथ। अभी 1 बज गया है और अभी तक लोडिंग चल ही रहा है। और यहाँ पीछे देख लीजिए पहाड़, लुगुबुरु पहाड़ अब साफ दिखने लगा है। और रास्ते में ये बेचने वाले आया था एक, तो ये एक ले लिया चना का पैकेट है, साथ में सेव है जिसको लोकल में बोलते हैं, और साथ में गुपचुप भी था, तो गुपचुप खा लिया, क्योंकि सुबह से तो कुछ खाया नहीं था। तो ऐसे पेट पूजा थोड़ा सा हो गया, अब आगे निकलेंगे तो फिर खाया जाएगा। गाइस अभी पास में जो बोकार नदी में आप लोगों को सुबह दिखाया था, उसके पास आ गया हूँ, और यहाँ से थोड़ा सा मैं फ्रेश, पानी जो है बहुत ही फ्रेश है, तो उससे थोड़ा सा मैं फ्रेश हो जाता हूँ, चेहरा वेरा धो लेता हूँ, बहुत ही अच्छा। और सूरज भी 2-4 घंटे में ढलने वाला है, तो 3 बजने वाले हैं, अभी भी लग रहा है 4 बज जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इससे मुँह हाथ भी धो लेता हूँ। तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेकिन जो धूप निकला है ना उसके वजह से अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि गर्मी में थोड़ा पसीना भी निकलने लगा था। ऐसे पहाड़ों नदियों के बीच से जो पानी बहता है ना, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होता है, तो आप लोगों को दिख भी रहा होगा। तो गाइस अभी शाम के 4 बजे यहाँ से निकल गए हैं, और पूरा दिन लग गया, सुबह से शाम हो गया। और इधर मेरे जिया जी भी हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो इन्हीं का अपना गाड़ी है। तो यहाँ से निकलते हैं, अभी यहाँ से गोला होते हुए, गोला छतरपुर होते हुए हम लोग टाटा की ओर जाएंगे।
और इधर पहाड़ का ब्यूटीफुल सीन है। तो फाइनली हम इस जगह को छोड़ रहे हैं दिन भर पूरा। और अभी हम लोग चैनपुर पार कर रहे हैं और सुबह से आज पूरा शाम हो गया और ऐसे जगह जंगल में फंस गए थे कि जहाँ खाना पीना भी कुछ नहीं मिल रहा था। तो अभी कहीं आगे देखेंगे, उसके बाद कुछ नाश्ता पानी भी होगा आगे जाके। इस रोड में हमें जाना है, ये रोड डायरेक्ट गोला की ओर निकल जाता है जमशेदपुर। फिर इसी रोड से हम निकल जाएंगे, गोला चिकरपुर रजरप्पा के रास्ते निकलेंगे। तो आज के एक दिन में ही मैंने ये फील किया कि ट्रक ड्राइवर का लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से भरपूर होता है, क्योंकि कहाँ रुक जाए रुक जाए कुछ पता नहीं रहता और खाने पीने का भी कुछ पता नहीं रहता, क्योंकि ऐसे ऐसे जगह भी फंस सकते हैं, कभी भी गाड़ी आपका ख़राब हो सकता है, कहाँ फंस जाएंगे, कहाँ खाना मिल रहा है, पीना नहीं मिल रहा, फिर उसके बाद क्या होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं रहे होता है, इसीलिए एक बहुत ही स्ट्रगल लाइफ है। और पूरे झारखंड की खूबसूरती आपको रोड में दिखेगी, हर जगह का बहुत ही बहुत ज़्यादा सुंदर रोड आप लोगों को दिखता होगा। हमें आप लोगों को जंगल पहाड़ नदी नाले सब जगह दिख जाएंगे, तो पूरा का पूरा झारखंड एक खूबसूरत दिखता है। तो अभी थोड़ी देर जंगल होने पार होने के बाद हम लोग गोला वाले रोड में निकल जाएंगे। गाइस अभी रास्ते में चाय नाश्ता के लिए रुके हुए थे और साथ में रास्ते के लिए भी पकौड़ी थोड़ा सा पैक करवा लिए हैं। शाम का 6 बज रहा है और हम लोग चिकरपुर पहुँच गए हैं। चिकरपुर का ये मार्केट है, अब इससे आगे गोला रोड होते हुए हम लोग निकल जाएंगे। अभी चितरपुर और गोला के बीच में एक पेट्रोल पंप के पास हमारी गाड़ी रुकी है, तो मैं आपको पेट्रोल पंप दिखा देता हूँ। ये पेट्रोल पंप है और अब यहाँ से रास्ता ये है कि अभी हम यहाँ से गोला जाएंगे और गोला से एक रास्ता हो जाता है जो मुर्री और सिल्ली होते हुए जमशेदपुर की ओर निकल जाता है, तो उसी रास्ते से हमें जाना है क्योंकि एक शॉर्टकट ये पड़ जाता है। अब रांची से होके भी एक रूट जाता है, तो उससे कोई जाने का सीन बनता नहीं है क्योंकि उधर का हमारा रूट ही नहीं है, तो इसी रूट से जाने वाले हैं। और देखते हैं, ऐसे तो अभी रात हो गया और पहुँचते पहुँचते तो मुझे लग रहा है कि 11-12 भी बज जाएंगे, तो अब रात में ही जाएंगे क्योंकि पूरा दिन तो लग गया इधर ही और खाना वाना भी नहीं खाया था। तो बाकी जो भी था एक अलग तरह का एडवेंचर रहता है, ये भी ठीक लगा और थोड़ा सा जंगल वंगल का सीन था तो जिस वजह से खाना वाना में भी दिक्कत रहा। तो बाकी एंजॉय करते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस भी एक अलग होता है कि एक ट्रक ड्राइवर की लाइफ कैसी होती है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है लाइफ में और बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है, तो हमें भी ट्रक ड्राइवर का सपोर्ट करना चाहिए। उन्हें भी ऐसा नहीं है कि केवल जो फौज में रहते वही स्ट्रगल करते हैं, सारे लोग का अपना अपना जो भी काम है, जो भी अपने लाइन में रहते हैं, सारे लोगों का अलग अलग स्ट्रगल है और सभी अपने कंट्री के लिए अपना योगदान दे रहे हैं।